स्वागत है मित्रों एंड मित्राणियों। सो उठ गए जिम की और जाने के लिए रेडी हो गए। मेरे बाल बिल्कुल जम नहीं चाहते, तो जैसे तैसे करके मैं जा रहा हूँ। और अभी तो मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि कल जिम गए ना, बड़े दिन बाद पूरी बॉडी दर्द कर रही है। और अब क्या कर सकते हैं, जिम तो जाना पड़ेगा ना, तो चलो चलते हैं जिम की ओर। ऐसी नींद भरी हालत में जिम आ गया, 11:30 बज रहा है। मेरे बेचारे ट्रेनर का जाने का टाइम 11 बजे का है। थोड़ा थोड़ा लेट कर करके बेचारे को 12:30 बजवा देंगे आज। और जिम करते करते मैंने अपने बालों की तरफ देखा तो ये सच में बहुत ज्यादा बड़े हो गए, मेरी आंखों में घुस रहे थे, तो आज तो इनको कटवाने ही पड़ेगा। जैसे तो बहुत ही ज्यादा जिम में मेहनत कर ली है, मेरी हालत दिख रही होगी। अभी घर जाके नहाते धोते और कैमरामैन पीछे ठुक मत जाना, फिर करते हैं मेहनत घर जाके। देखना कैमरामैन, एक और स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, पूरी तैयारी हो गई है। यहाँ पे घी फनफना रहा है, मम्मी नहीं है ना तो अपन घी में खाना बनाएंगे। गरीबी गई, अब तेल वेल का यूज ही नहीं करूंगा मैं। जितने दिन मेरा मन चलेगा मैं ऐसे ही खाने बनाऊंगा। बाकी मम्मी कहाँ गई है, कब आएंगी मुझसे पूछना, शायद आज शाम तक आ जाएंगी, तब तक मैं घी बर्बाद करता हूँ। सोच भी नहीं सकते तुम क्या बनने वाला है, 2 मिनट रुको भी बना के बताता हूँ। गया है रजत स्पेशल बकरी रोटी एंड एक गुलाब जामुन, अब इसको खाएंगी मजी करेंगी। दोस्तों हिमांशु भी आ चुका है शॉर्ट बनाने के लिए और मैं भी दिखता हूँ कि मैं फ्रेंड करो ना फ्रेंड। अरे फ्रेंड कुछ नहीं, गंदा लग रहा हूँ। दोस्तों मैंने भूत बनाऊ, मैं तो मैं पिंक गुलाबी बाल वाला भूत बनाऊ। और हम लोग शॉर्ट्स पे बच्चों वाली वीडियो बनाते हैं ना, तो वहाँ पे ऐसी उल्टी सीधी बहन तैयार है। बहन कोई ऐसी है, ऐसे ऐसे धतूरों को भाई बनाऊंगा क्या, अगर बहन भी बनूंगा कभी तो सुंदर भाई होंगे मेरे। बाकी दोस्तों मुंह में बाल घुस रहे हैं, फुदू वीडियो बना लेते हैं जल्दी से। सॉरी दोस्तों मैं बाल नहीं कटवा पाया, और बाल नहीं कटवा पाया फिर सॉरी नहीं सॉरी मैं भूल ही गया बोल के रहा था। मैं बोल रहा था कि मैं आज व्लॉग नहीं बना पाया, आज दिन भर से काफी सर दर्द हो रहा था और काफी सारी चीजें चल रही थी, तो मेरे को व्लॉग बनाने का याद ही नहीं रहा। अभी जस्ट बर्तन धो के आया हूँ और अपनी रोटी वगैरह तो आज मैं मौसी के यहाँ से ले आया था, मेरी सब्जी रखी हुई थी दोपहर की, तो आज काफी हेक्टिक दिन था तो याद नहीं आया कि व्लॉग भी शूट करना है। तो अभी अपना पूरा सीन पार्ट हो गया एकदम, और अभी बर्तन धो लिए, हाथ अभी भी गीले हैं, और अभी अपन खाना खाएंगे, बहुत तेज भूख लग रही है। और एक चीज सोच रहा था मैं कि यार मैं कभी कभी खुश होता हूँ ये सोच के, जैसे कि अगर मानो मैंने किसी को रोस्ट किया, उसने मुझे रिप्लाई दिया, पहले तो मैं ऐसा होता हूँ कि ठीक है मैंने ही रोस्ट किया है, कोई बात नहीं यार, इस सामने वाले का भी हक है फील करने का, कर लो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं सोचता हूँ कि कभी अगर जैसे कि अभी लास्ट सीन ही हुआ था अपना BTS के टाइम वाला, तो काफी बड़े बड़े क्रिएटर रहते हैं ये लोग, जब रिकॉग्नाइज करते हैं मुझे और इनको पता रहता है कि मैंने रोस्ट किया, वही अपने आप में काफी ऐसा फील होता है कि अपन नॉर्मल तो नहीं रहे अब। जैसे कि काफी सारे लोग मेरे कमेंट में बोल रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं ये सब कर रहे हैं, उनका कमेंट में देख भी नहीं रहा हूं। और मैंने अगर किसी को कुछ बोल दिया तो वो सब देख लेते हैं, अगर मैं मेरा ओपिनियन मैटर करता ना, मतलब सीधी सी बात ये है, तो ये चीजें देख के भी मेरे को काफी मजा आता है। तो इस तरीके से मैं चीजों की नेगेटिव चीजों में भी पॉजिटिविटी ढूंढ के निकाल लेता हूं, तो काफी सही चीज है ये। बाकी यार सर बहुत दर्द कर रहा है, उसका कुछ करना पड़ेगा मुझे। मेरे को एक तो गोली दवाई खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गोली दवाई से आप अपनी बॉडी की जो नेचुरल वो रहती है इम्यून सिस्टम, उसको कमजोर कर देते हो, को आदत पड़ जाती है गोली की। पर अभी जैसा सर दर्द हो रहा है 1-2 दिन से, मुझे लगता है खानी पड़ेगी मुझे। और चलो खाना अपना गरम हो गया, लेके आते हैं खाते हैं, भूख बहुत तेज लग रही है। और ये वाला व्लॉग छोटा होगा, सॉरी दोस्तों, बाकी इस व्लॉग को मैं यही खत्म करता हूँ क्योंकि स्क्रिप्टिंग भी खत्म करनी है, मेन चैनल पे वीडियो नहीं आई, सॉरी बहुत लेट हो गया, मुझे भी बुरा लग रहा है। बाकी आप लोग अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, व्लॉग पे व्यूज नहीं भी आते तो कोई दिक्कत नहीं है यार, अब ठीक है, मैं भी ऐसा कुछ ज्यादा दिखा नहीं रहा हूँ व्लॉग चैनल पे कि व्यूज एक्सपेक्ट करूं। तो व्लॉग तो खत्म कर दिया था, पर अभी 4 बज रहा है, मैं सोया नहीं हूं, स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, अभी खत्म नहीं हुई है और अभी भी लिख ही रहा हूं। और अभी मुझे एक बात याद आई कि बचपन में जब स्कूल जाते थे तो टीचर बोलती थी कि खाना खाने भूलते हो कभी, सोना भूलते हो कभी, अब भूल जाते हैं, अब खाना खाना भी भूल जाते हैं और सोना भी भूल जाते हैं। हाँ, तो अब देखो स्क्रिप्ट लिखाती है मेरी कब सोता हूँ, या तो शायद मैं सोऊं ही ना, कल वीडियो सब कर कुरा के फुर्सत होके सोऊंगा। और एक चीज और जो कि मैं करता तो पहले भी था, पर अब कैमरे के सामने करने के सोच रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं एज ए इन्फ्लुएंसर हूँ तो ये सब चीजें मुझे इन्फ्लुएंस करनी चाहिए लोगों को, ताकि ये वाला साइड भी मेरा पता लगे दुनिया को कि ऐसा भी कुछ है। तो देखते हैं, बाकी ये व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, टाटा बाय बाय गुड नाइट धन्यवाद। वैसे मैं तो अभी और जगूंगा, पर अब शूट करके बताऊंगा कि आपको ये एक पलंग पे बैठा बैठा क्या ही कर लूंगा मैं। और यही मेरा सबसे बड़ा रीजन था डेली व्लॉग ना चालू करने का, कि मेरे को पता है कि मेरा ज्यादातर काम मेरे कमरे में मेरे पलंग से ही होता है, तो मैं यहाँ से क्या ही शूट कर लूंगा। तो कभी कभी ऐसे छोटे छोटे व्लॉग भी आएंगे दोस्तों, तो इनको भी अप्रिशिएट करें, है ना, दिस इज ट्रू साइड ऑफ मी। बाकी मुझे पता है आप लोग मेरे साथ ही रहते हो हर सिचुएशन में, जितने लोग इस चैनल पे जुड़े हुए आप भाई एकदम दिल से कनेक्शन है अपना, कोई वो ही ये बीच में अपने, ऐसा कि आप लोग मुझे कोई दूसरा इंसान मानते हो, आप लोग मुझे अपना मानते हो, ये मेरे को समझ आता है आपके कमेंट पढ़ के। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, टाटा बाय बाय गुड नाइट धन्यवाद।